हमारे देश के हर शहर और गांव में बच्चे जरूर होते हैं और बच्चों के लिए स्कूल जरूर होता है और वो डेली स्कूल भी जाते हैं और उनके लिए माँ घर से टिफिन पैक करके देती है अच्छे अच्छे प्रोटीन वाले खाने। मगर बाई चांस किसी दिन बच्चा भूल जाता है टिफिन को ले जाना तो वो कैंटीन के समोसे और चाट खाता है। मगर घर में बैठी माँ को टेंशन होता है कि हमारा बच्चा कौन सा खाना खा रहा है। वही प्रॉब्लम को लेकर मैं आपको एक बिजनेस आइडिया बताने वाला हूँ जिसको आज के डेट में आप करते हैं तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। किस तरीके से बिजनेस को स्टार्ट करना है पूरा आपको नॉलेज मिलेगा इस वीडियो को। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित सिंह, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर एंड कंटेंट क्रिएटर हूं। चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करना होगा। सबसे पहले ऐसी लिस्ट बनानी होगी जिसमें 500 से ज्यादा स्कूल वाले बच्चे हों। तो सबसे पहले आपको लिस्ट बनानी है 500 स्कूल से ज्यादा हो। उसके बाद हमें 2 शिफ्ट वाली स्कूल की लिस्ट अलग बनानी होगी। उसके बाद हमें स्कूल प्रिंसिपल से मिलना है और बताना है प्रॉब्लम क्या है और सॉल्यूशन क्या है और पेरेंट्स को क्या जरूरत है वो बताना है। उसके बाद स्कूल कैंपस में एक टेबल रखने के बराबर जगह और इलेक्ट्रिक कनेक्शन की जरूरत होगी। उसके बाद आपको 10,000 रुपए की फूड वार्मर मशीन लेनी होगी, ठंड के मौसम में तुरंत गर्म कर सके खाने को। देखा हो कि इस मशीन का उपयोग हाई प्रोफाइल इवेंट में किया जाता है। फूड वार्मर मशीन टेबल पर रखा जाता है और इलेक्ट्रिक से कनेक्शन करके यूज किया जाता है। आपको वहाँ पर केवल खाने को गर्म करना है और सर्व करना है, बाकी आप घर से आपको खाने का बना के लेके आना है और वहाँ पे केवल सर्व करना है। आपको 2 पार्टीशन वाला फूड वार्मर मशीन खरीदना होगा, एक में आप चावल गर्म करें और दूसरे में आप दाल गर्म करें। ये आपको 2 पार्टीशन वाला मशीन खरीदना होगा जिसमें आपको दोनों चीज एक साथ गर्म हो सके। मशीन की खास बात यह है कि चावल हो या दाल हो 1 मिनट से कम ये गर्म कर देता है, इससे आपको सर्व करने में ज्यादा समय नहीं लगता। अब बात करते हैं किस तरीके से आपको इसको सेल करना है। सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कितने रुपये में सेल करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ कि 15 रुपये का एक बाउल रख लीजिएगा, उसमें आप दाल चावल इजीली आप बच्चों को दे सकते हैं, सर्व कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। अब बात करें कि आपकी एक दिन की कमाई कितनी होगी, तो आप इजीली आप 200 बॉल भी बेचते हैं तो आपको इजीली 3,000 रुपये कमा लेते हैं। अब महीने की बात करते हैं तो आप 30 दिन में 28,000 रुपये इजीली कमा सकते हैं। तो इस तरीके से आप बिजनेस स्टार्ट तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा आज के डेट में। इसमें आपको कस्टमर की भी प्रॉफिट होती है और आपका भी बिजनेस अच्छे तरीके से चलता है। तो ये रही फूड से रिलेटेड कैंटीन का बिजनेस, इसको आप स्टार्ट करिए और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं आपको पूरा सॉल्यूशन बताऊं किस तरीके से बिजनेस को स्टार्ट करना है। ऐसे ही बिजनेस रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में, धन्यवाद।